हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सेकंड क्लास में रीजनिंग का चैप्टर 8 एवरीडे मैथ्स कर रहे थे, जिसके हम 15 सम कर चुके हैं। आज हम इसका 16th सम करेंगे। आइए देखते हैं सम को। पूजा हैज़ 124 पेंसिल्स। पूजा के पास 124 क्या हैं, पेंसिल्स हैं। सी पुट्स पेंसिल इक्वली इन टू द 4 बॉक्सेज। वह इन पेंसिल्स को 4 बॉक्सेज में इक्वली रखना चाहती हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ईच बॉक्स। तो प्रत्येक बॉक्स में कितनी पेंसिल्स होंगी, यानी कि पूजा के पास टोटल पेंसिल कितनी हैं। टोटल पेंसिल कितनी है, 124। उसके पास बॉक्स कितने हैं, 4 हैं। और 1 बॉक्स में कितनी पेंसिल रखेगी, 124 डिवाइड 4। हम 124 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। 4 को क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे, 4 1 4। तो हमारा क्या आंसर हुआ, 31। 31 देखो किस ऑप्शन में है, 31 हमारा सी ऑप्शन में है। ये सी आंसर, सी ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सम है, सुधा कलेक्टेड 120 कोकोनट्स। सुधा 120 कोकोनट्स क्या करती है, कलेक्ट करती है। महिमा कलेक्टेड 12 कोकोनट्स। महिमा 12 कोकोनट्स कलेक्ट करती है। हाउ मैनी कोकोनट्स डिड बोथ ऑफ देम कलेक्टेड। तो दोनों मिलकर के कितने कोकोनट कलेक्ट करते हैं। देखो ये 17 सम कैसे होगा, सुधा कितने कलेक्ट करती है, 120, और महिमा कितने करती है, महिमा करती है 12 कोकोनट कलेक्ट। दोनों मिलकर के टोटल कितने कोकोनट कलेक्ट कर लेंगे, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 0 2 2 और 1 3 1 का 1 132। देखो किस ऑप्शन में है, 132 हमारा बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सम है हमारा, जिया हैड 30 रुपीज़। जिया के पास क्या है, 30 रुपीज़ है। हर फादर गेव हर रुपीज़ 55 एज पॉकेट मनी। उसके पिता जिसको पॉकेट मनी के लिए कितने रुपीज़ दे देते हैं, 55 रुपीज़। सी गोट रुपीज़ 100 फ्रॉम ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इन हर स्कूल। उसके स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें उसको कितना प्राइज मिलता है, 100 रुपीज़ का। हाउ मच मनी जिया हैज़ नाउ। अब जिया के पास टोटल कितनी मनी होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको जिया के पास पहले कितने रुपीज़ थे, जिया के पास कितने रुपीज़ थे, 30। उसके फादर उसको कितने रुपीज़ देते हैं, 55 रुपीज़। उसको प्राइज में कितने रुपीज़ मिलते हैं, प्राइज में उसको मिलते हैं 100 रुपीज़। तो अब उसके पास टोटल मनी कितनी हुई, तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5 0 5 5 और 3 8 1 का 1। तो उसके पास टोटल मनी कितनी हुई, 185। 185 देखो किस ऑप्शन में है, 185 हमारा डी ऑप्शन में है। इसलिए डी ऑप्शन है क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सम है, रवि हैड 2000 ग्राम्स ऑफ लेंटिल्स। ही सोल्ड 250 ग्राम्स ऑन वनडे संडे एंड 750 ग्राम्स ऑन मंडे। यानी कि रवि के पास 2000 ग्राम्स क्या है, मसूर की दाल है। ही सोल्ड 250 ग्राम्स ऑन संडे। संडे को कितनी दाल सोल्ड कर देता है, 250 ग्राम्स, और मंडे को कितनी सोल्ड करता है, 750 ग्राम्स। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ लेंटिल्स हैड ही लेफ्ट। अब उसके पास कितनी दाल बाकी बचती है, कैसे होगा ये सब देखो। एनके रवि के पास टोटल दाल कितनी थी, 2000 ग्राम्स। संडे को कितनी सोल्ड करता है, 250 ग्राम्स।
और मंडे को कितनी है, मंडे को करता है 750 ग्राम्स। ये जो टोटल दाल है, टोटल में से उसने जो संडे और मंडे को सोल्ट किया है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टोटल कितनी थी, 2000 माइनस 250 प्लस 750, 2000 माइनस 250 और 750 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1000, 2000 में से अगर हम 1000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1000। 1000 देखो किस ऑप्शन में है, 1000 हमारा सी ऑप्शन में, तो सी आंसर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम है, तनीषा हैड 678 स्वीट्स। तनीषा के पास 678 स्वीट्स हैं। सी शेयर्ड विद 567 ऑफ देम विद हर फ्रेंड्स। वह अपने फ्रेंड्स के साथ है 567 स्वीट्स क्या कर देती हैं, शेयर कर देती हैं। नंबर ऑफ स्वीट्स लेफ्ट विद हर इज, अब उसके पास कितने स्वीट्स बाकी बचती हैं, कैसे होगा ये सब देखिए। इनके पास उसके पास टोटल स्वीट्स कितनी हैं, 678, और शेयर कितनी कर देती हैं, शेयर कर देती है वो 567। तब उसके पास कितनी स्वीट्स बाकी बची, जितनी हमारे पास टोटल स्वीट्स है उसमें से हम क्या कर देंगे, जितनी स्वीट्स उसने शेयर की उसको क्या कर देंगे, हमें माइनस कर देंगे। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो 1, 6 में से 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास कितनी स्वीट्स बाकी बची, 111। 111 देखो किस ऑप्शन में है, 111 हमारा डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको इन सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है और अपनी कॉपी को नीटली प्रिपेयर करना है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।